गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 13. इट इज यूनिट थर्ड इन योर सिलेबस, DBMS SQL. सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इन प्रीवियस क्लास. सो मेनली आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू बेटा कि ये आपका 20 मार्क्स का यूनिट है. इसमें जो है 20 मार्क्स का पेपर आपका इसी यूनिट में से आता है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट SQL एंड DBMS. सो एक सिंपल इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको क्लास में मिला था. नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू डेटाबेस. व्हाट इज डेटाबेस? मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? DBMS. सी हियर, डेटा इज़ अ रो इन्फॉर्मेशन. हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई इमेज हो, टेक्स्ट हो, या किसी के मार्क्स हो, है ना, सिंपली उसे हम डेटा बोलते हैं. ठीक है, अब उस डेटा को वी हैव टू मैनेज. तो हम उसको टाइमली मैनेज करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, डिलीट करते हैं, और उसमें एडिट करते हैं, उसके रीनेम चेंज करते हैं, उसके कंटेंट्स को चेंज कर देते हैं. जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम चेंजेस करते रहते हैं. ठीक है, तो डेटाबेस के लिए हम मैनेज करते हैं उसको, एंड मैनेज करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर, अ सिस्टम दैट इज कम्प्लीटली कॉल्ड DBMS. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन द सेंस, सिस्टम इज सॉफ्टवेयर, कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है जहाँ पर हम डेटा के बेस को क्रिएट करें और उसको बाद में हम मैनेज कर सकते हैं. ओके, तो इट इज़ अ DBMS. अब DBMS एक्चुअली है क्या भाई? हमारे स्कूल का डेटाबेस होता है, आप देखते हैं किसी ग्रॉसरी शॉप का डेटाबेस होता है, किसी मेडिकल शॉप का डेटाबेस अलग होता है, किसी ज्वेलरी शॉप का डेटाबेस अलग रहेगा, आपकी जो नॉर्मली फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ का डेटाबेस अलग होता है, आपकी जो स्टेशनरी शॉप है उसका डेटाबेस अलग रहेगा. सो इन सिंपली वर्ड्स, डेटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा. वी कैन से दैट कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम अगर प्रॉपर कलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाएगा. अब व्हाई वी नीड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट? सिंपल, देखिए कि जब हम पहले बात करें आज से कम 30 years before 40 years before व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट यूज्ड बाय इतने लोगों से जो है कंप्यूटर यूज़ नहीं करते थे पहले, तो क्या होता था, डेटा लॉस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते थे, डेटा वेल अरेंज नहीं हो पाता था, डेटा में सर्च करने में बहुत टिपिकल होता था. ऐसे मान लीजिए आप अगर किसी क्रिमिनल का रिकॉर्ड देखें तो क्राइम सीन क्रिमिनल की फाइल्स हैं, वो फाइल्स जो हैं गायब हो जाती थी, या वो उन्हें कोई ले के जो है वेस्ट कर देता था, या उस रिकॉर्ड रूम में कुछ ना कुछ हो और वहाँ पर जो है वो डेटा लॉस हो जाता था. मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया तो वो फाइल्स पूरी जल जाती. तो उस कंडीशन में क्या होता था कि क्रिमिनल्स रिकॉर्ड या आपकी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, एंड वी कैन नेवर गेट इट अगेन, कि हम उसको दोबारा वापस ले लें या वापस मिल जाएँ वो हमें. तो ना तो उसका कोई बैकअप होता था, ना उसमें कोई सेफ्टी होती थी. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सर्च एनी काइंड ऑफ फाइल, के मान लीजिए आप 10 साल 15 साल पहले की फाइल्स को अगर आप सर्च करने जाएँ या ढूंढें या फाइंड करें, तो व्हाट विल हैपन कि आपको वो पूरे वहाँ पर रूम रिकॉर्ड रूम में जाना है, देन उसकी प्रोसीजर बहुत लंबा है, वो फाइल्स आप देखोगे इतने फाइल्स का ढेर होता था वहाँ पर. तो उसमें क्या था, बहुत टिपिकल थिंग थी वो, डेटा को फाइंड करना, डेटा को अरेंज करना, डेटा को सॉर्ट करना, है ना. सो दैट इज़ वाई DBMS ट्रेंड में आया. कंप्यूटराइज डेटा को मैनेज किया जा रहा है, आपकी फाइल्स हों, रिकॉर्ड्स हों, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो, वी कैन अरेंज इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो यही है, इसमें देखते हैं अभी वेरियस एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम आर. फर्स्ट, डेटाबेस सिस्टम रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. डेटा रिडंडेंसी मतलब कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो है वो इसमें अलाउ नहीं होता. यानी मान लीजिए आपने एक टेबल क्रिएट किया, एंड वन मोर थिंग,
हम हमारे डेटाबेस को टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं ऑलवेज। क्यों करते हैं टेबल की फॉर्म में, कि जब हम इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में इंस्टॉल करते हैं तो आपके उसको मैनेज करना, उसको एडिट करना, उसको डिलीट करना इजी हो जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल टेबल है। इस टेबल में जो ये वर्टिकली अरेंज है ना, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स, एंड जो हॉरिजॉन्टली अरेंज है ये होती हैं आपकी रोज। ओके, अब इन कॉलम्स को हम एक और नाम से बोलते हैं, वो है आपका फील्ड, एंड रोज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड। रोज को रिकॉर्ड भी बोला जाता है, कॉलम्स को फील्ड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम कॉलम्स में फील्ड डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखूँ रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पर लिखूँ नेम, यहाँ पर लिखें एड्रेस, तो ये क्या हो रहा है, ये मैंने एक फील्ड डिफाइन कर दिया कि इस कॉलम में रोल नंबर ही एंटर होंगे, यहाँ पर नेम ही एंटर होंगे, यहाँ पर एड्रेस होंगे, तो ये फील्ड डिफाइन कर दिया। और रोज में क्या रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा कि स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर 1, नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, या उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं तो वो भी आ जाएंगी, सारी चीज़ें इसे आ जाएंगी। तो ये इसमें क्या होगा, डेटा अगर डुप्लीकेट है तो वो आपको बोल देगा कि दिस डेटा इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, चेंज इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, डेटा डेटाबेस सिस्टम कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू लार्ज एक्सटेंट। डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटाबेस ऑल्सो प्रोवाइड शेयरिंग ऑफ डेटा। जब हम एक बार डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं तो वी कैन ईजिली शेयर विद आवर फ्रेंड्स, वेयर एवर यू वॉन्ट टू सेंड योर डेटाबेस, यू कैन ईजिली सेंड बाई अ पेन ड्राइव, बाई एन ई मेल, किसी भी डेटा ट्रांसफर जो आपका करना है आप कर सकते हैं। डेटाबेस एनफोर्स स्टैंडर्ड्स, आप प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में डेटा को मैनेज कर रहे हैं। सेंट्रलाइज डेटाबेस कैन एंश्योर डेटा सिक्योरिटी। एंड वन मोर थिंग, जो आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, देखिए सिंपल सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या है, जैसे आपका CBSE का डेटाबेस है ना, सेंट्रलाइज डेटाबेस है वो। अब हम लोग क्या करते हैं, वी आर द क्लाइंट, है ना, हम उस एंड जो डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस सर्वर जहाँ से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है। अब आपने क्या किया कि सिंपल आपने एक क्वेरी की, गूगल पे सर्च किया, तो गूगल सर्वर के एग्जांपल ले लेते हैं, गूगल का जो डेटाबेस है वहाँ से हमने किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की, तो उस इंफॉर्मेशन को गूगल सर्वर जो रहेगा, जो डेटाबेस रहेगा गूगल का, वो फाइंड आउट करेगा कि भाई ये जो चीज़ इन्होंने क्वेरी आई है या जो हमने जो सर्च किया है वो वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबल है तो आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा, अदरवाइज डेटा नॉट फाउंड एरर आ जाएगा। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस की प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। मान लो आप यूज़र हैं, आप क्लाइंट हैं, एंड आप उस डेटाबेस को अगर उस वहाँ से उस फाइल को डिलीट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन थ्रू डेटाबेस। नेक्स्ट है आपका, यही सिंपल डेटाबेस का इतने एग्जाम्पल हैं। ओके, अब देखते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल एक्चुअल में है क्या, अ डेटा मॉडल रेफर्स टू अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस एंड सर्टेन कंस्ट्रेंट्स दैट द डेटाबेस शुड ओबे। मोस्ट कॉमनली यूज डेटा मॉडल ऑफ फॉर डेटाबेसिस इज द रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स के बीच में रिलेशन है, टेबल्स मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशन है, तो उस रिलेशन क्या, देखिए इन रिलेशनल डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल्स। मैंने आपको बताया कि हमारा जो डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशन। अब इन टेबल्स को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। मान लीजिए एक टेबल हमने बनाया, आप डेटाबेस क्रिएट करें स्कूल का, ये मैंने बनाया एकेडमिक का डेटाबेस, और ये मैंने बनाया आपका एडमिशन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको देखिए, ये मैंने लिया रिजल्ट, ठीक है, और ये मैंने लिया स्टूडेंट का एडमिशन रिकॉर्ड, यहाँ पर ले लिया फीस, ठीक है, ये ले लिया मैंने अदर एक्टिविटीज़। अब इसमें क्या होगा,
ये टेबल इससे भी कनेक्टेड है, इसका इससे रिलेशन रहेगा, इसका इससे रिलेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे स्टूडेंट की, वो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की तो सेम ही रहेगी ना। रोल नंबर वन, रोल नंबर वन, अगर रिजल्ट देखेंगे तो रोल नंबर वन, रोल नंबर टू, रोल नंबर थ्री, एडमिशन में भी वही रहेगा रोल नंबर वन, रोल नंबर टू, फीस में भी वही रहेगा SR नंबर जो रहता है इनका। तो इस टाइप से जो है आपस में क्या हो रहा है, ये टेबल्स रिलेटेड है। कुछ रिलेशनल मॉडल दिए हुए हैं, रिलेशन, डोमेन, टपल, एट्रीब्यूट आगे आएगा आपके चैप्टर में। एक बार रीड कर लेते हैं। रिलेशन, अ टेबल स्टोरिंग लॉजिकली रिलेटेड डेटा, डेटा मस्ट बी एटॉमिक इन सेल, ऑल रोज ऑफ दिस टेबल आर डिस्टिंक्ट, कोई रिपीट नहीं होगा, आपका जो डेटा बेस में जो डेटा है वैल्यू एंटर हो रही है वो हर रोल नंबर चेंज रहेगा, नेम सेम हो सकता है, एड्रेस डिफरेंट हो सकता है। तो इस टाइप से आप अपने टेबल में डेटा को अरेंज करेंगे। तो दिस इज अ डोमेन क्या है, दिस इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपेयरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन। टपल, रोज को ही जो है रिलेशन को टपल बोला जाता है, जितनी भी रोज आपके रहेंगी वो पूरी कलेक्शन ऑफ रोज इज कॉल्ड टपल। एट्रीब्यूट, अ कॉलम ऑफ रिलेशन इज जनरली रेफर्ड टू एज एट्रीब्यूट, कॉलम रहेगा उसको हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। डिग्री है, डिग्री रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन, जो आपके कॉलम्स हैं ना, फील्ड हैं, इनको जो काउंट करेंगे तो ये आपकी डिग्री हो जाएगी। कि एक टेबल में मान लो मैंने कॉलम लिए, एक कॉलम, दो कॉलम, है ना, ये इसमें मैंने रोल नंबर, इसमें नेम और इसमें एड्रेस। अब मैं अगर इसकी डिग्री फाइंड आउट करूं तो इसमें 3 आएगी इसकी डिग्री, ठीक। प्राइमरी की होती है आपकी यूनिक वैल्यू, प्राइमरी की मतलब कि जिसके थ्रू हम डेटाबेस में डुप्लीकेशन स्टॉप कर सकते हैं। अब प्राइमरी क्या रहती है आपकी, रोल नंबर, हर एक क्लास का रोल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और मान लीजिए 101 या 1001 या आपका जो भी सिक्वेंस रहता है तो वो सिक्वेंस यूनिक रहता है, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक रहेगा। जैसे आपका UID कार्ड है, आधार कार्ड है, उसका जो नंबर है, हर एक सिटीज़न का नंबर डिफरेंट है, उसका नेम सेम हो सकता है, उसका एड्रेस भी सेम हो सकता है, उसके पेरेंट्स के नेम भी मैच हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्लास में भी एक ही सेम नेम के 2-3 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ओके। तो उसे हम प्राइमरी की बनाते हैं जिससे डेटा में फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती। हियर इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एक आपका टॉपिक है। सी, इसमें क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट अ DBMS यूजेस टू एंश्योर दैट रिलेशनशिप्स बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेशन टेबल आर वैलिड एंड दैट यूजर्स डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज रिलेटेड डेटा। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में हम DBMS के रूल्स डिफाइन करते हैं जो उसके रिलेशनशिप को बताता है, उसके रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है कि जो आप रिकॉर्ड्स या टेबल के जो डेटा देख रहे हैं वो आपस में रिलेटेड है एंड उसको किसी भी कंडीशन में आप चेंज और डिलीट नहीं कर सकते। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब कि हम डेटाबेस में ये परमिशन दे दें कि भाई आप, मान लीजिए मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, स्कूल का डेटाबेस है या CBSE का डेटाबेस है, तो उसमें मैंने आपको परमिशन दे दी कि आप सिर्फ उसको व्यू कर सकते हैं अपने मार्कशीट को, उसमें ना तो चेंज कर सकते ना उसमें किसी टाइप का डिलीट कर सकते। तो ये जो चीज़ है ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के थ्रू होती है। इसमें देखिए सबसे पहले रूल्स हैं, यू कैन सेट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। सबसे पहला, मैचिंग फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इज प्राइमरी की और हैज़ अ यूनिक इंडेक्स। कि आप जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो कब सेट कर सकते हैं, जब आपकी टेबल में प्राइमरी की हो एंड या यूनिक इंडेक्स हो, द रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डेटा टाइप्स, और जो डेटा टाइप्स हों, डेटा टाइप्स क्या हैं अभी आगे आएगा आपके, आगे एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो डेटा टाइप सेम होना चाहिए हर फील्ड के एंड बोथ टेबल्स बिलोंग टू द सेम डेटाबेस। यहां पर स्टार्ट होती है आपकी MySQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज,
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS का यूज अभी मैंने आपको बताया कि आपस में जितना भी डेटाबेस है वो रिलेटेड होता है। तो इसको एक काम करते हैं, हम टुमारो विल डिस्कस अबाउट MySQL। से पहले आपको बस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है रिलेशनल डेटा मॉडल एंड ये आपको अच्छे से कर लेना है, टपल डोमेन रिलेशन है ना, ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। टुमारो विल डिस्कस अबाउट MySQL। ओके, तो थैंक यू सो मच।